हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। अगर डॉक्टर ने यहाँ पर इसके ऊपर इतनी रिसर्च कर लिए प्रोडक्ट्स को बनाया गया है तो उसके बारे में उसका कोई रीजन नहीं है, उसके बारे में थोड़ी कोई खासियत होगी जो बाकी फल फूल में नहीं है। सो आज का हमारा जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं नोनी जीरो। ये आपको एक खूबसूरत सी टॉल कलर की टॉल सी बॉटल दिखेगी जो आपको हर डीएक्सएम स्टॉकिस्ट में मिलेगी। ये डीएक्सएम का आई गेस थर्ड फेमस प्रोडक्ट है आफ्टर गैनोडर्मा आफ्टर स्पायरोलिना। दिस इज वन प्रोडक्ट जो हम सबको देते हैं ना। अभी लोग पूछेंगे क्यों सबको देते हैं, ऐसी क्या बात है जो ये सबको बांटा जाता है। सो उसके रीजन है यहाँ पर आज का जो ये है मैं ये प्रेजेंटेशन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक दो तीन वर्ड दिखेंगे। दैट इज होप इन अ बॉटल। होप का मतलब होता है उम्मीद। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे बोल रही हूँ कि इस बॉटल में उम्मीद है तो उसका कोई एक रीजन नहीं। आजकल बीमारियों की जो लिस्ट है ना वो हमारे बॉडी के ऑर्गन से ज्यादा है। हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट से ज्यादा बीमारियां जो ऑर्गन डिस्कवर भी नहीं हुआ उनकी बीमारियां पहले निकल गया। और यहाँ पर अगर हमें खुद को हील करना होता है, बॉडी को अगर ठीक करना होता है, डिजीज को भगाना नहीं है बॉडी को ठीक करना होता है, तो वहां पर आपको होप की जरूरत है। और ये नोनी जी जो है दिस इज एक्चुअली होप इन अ बॉटल। तो वी गो बिट बाय बिट की ये बॉटल क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे, इस जूस को यूज कैसे करते हैं, इस जूस को कहाँ पर यूज करते हैं। हम ज्यादा मेडिकल इसमें नहीं जाएंगे कि इसमें कितने विटामिन है कितने मिनरल्स है, बिकॉज वो डॉक्टर्स को रखने दीजिए, वो डायटिशियंस को मालूम होना चाहिए। बट अगर आपको कोई एक नॉर्मल इंसान को आपको आपके फ्रेंड को पेन है बॉडी में और आपको पिच करना है उस चीज को, यानी आपको उसके बारे में बताना है, तो आप वो चीज को कैसे बताएंगे, आज हम उस चीज पे। सो फर्स्ट थिंग अगर कोई नोट कर रहा है तो फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है दैट आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए एज होप इन अ बॉटल। बहुत साल पहले किताब लिखी गई थी, बहुत साल पहले भी नहीं, आई गेस ये 10-15 ईयर्स बैक एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था नोनी रेवोल्यूशन। बिकॉज जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर रिचर्ड्स जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की और अपनी बुक बनाई है ट्रॉपिकल यूजेस ऑफ मोरिंडा सिट्रिफोलिया, वो बुक में उन्होंने लिखा है दैट एक रेवोल्यूशन आएगा जहां पर हर डिजीज के लिए डॉक्टर नोनी यानी नोनी फ्रूट मोरिंडा सिट्रिफोलिया प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों? बिकॉज इसके अंदर 200 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। जहां पर अगर हम बोलते हैं कि बनाना में पोटेशियम है, बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स है, बच्चे को बनाना खिलाओ सेहत बनेगी, वहां पर इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वैसे यहाँ पर 200 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो अभी तक रिसर्च में आए ही नहीं है, जिनका नाम आगे आया ही नहीं, उससे ज्यादा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर पहले पता करें कि मोरिंडा सिट्रिफोलिया जो ये फल है ये है क्या चीज। सो मोरिंडा सिट्रिफोलिया एक पैर, पता है आप सबको पैर, उसी शेप का उसी आकार का ये फल है जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है जहां पर बीच है, अच्छी सूरज की किरणें है, अच्छा पानी है, अच्छी ह्यूमिडिटी है, वहां पर ये फल उगता है। तो हमारा इंडिया मुंबई का क्लाइमेट जो उसी हिसाब से है, बहुत सारे गार्डन्स में इवन मुंबई के बोटानिकल गार्डन्स में ये प्लांट को उगाया जाता है। तो आप अगर कहीं जाएंगे विजिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो फ्रूट है ये ट्रॉपिकल एरियाज का जहां से हमारा डीएक्सएम कंपनी हार्वेस्ट करता है दैट इज हवाईयन स्पीशीज, जो हवाई के आइलैंड्स होते हैं वहां पर ये फ्रूट एकदम बेस्ट या ऑप्टिमम क्वालिटी का आता है, वहां से इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सो ये जो फ्रूट है इसको प्यूक फ्रूट के नाम से कहा जाता है। प्यूक यानी उल्टी यानी वॉमिट। इसकी जो स्टेंच है इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा आप ले नहीं पाएंगे उसको खरी उतनी बुरी। इसके अंदर बड़े बड़े सीड्स होते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है अंदर से, वेरी वेरी सिमिलर टू आर पेड़ का स्ट्रक्चर, पर इसकी जो अंदर की बीजे होती है वो बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात, ये जो फ्रूट है इसकी स्टेंच बहुत बुरी है, लेकिन ये जो झाड़ है वहां की जो लेडीज हुआ करती थी वो ना इसकी बार्क, कभी कभी अगर फ्रूट नहीं होता था झाड़ पे तो बार्क जो होता है यानी जो लकड़ा होता है झाड़ का जो लकड़ी होती है उसी को तोड़ तोड़ के खाती थी। फिर वहां पर रिसर्चर्स ने पूछा कि क्यों ये ऐसा करते हैं, तो पता चला था इट इज बिकॉज वो खाने से उनकी बॉडी में जो भी जहां पर भी जो दर्द हो रहा होता है वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वहां के लोग उसको पेन किलर ट्री यानी हेडेक ट्री के नाम से भी जानते हैं। हेडेक ट्री मतलब ये नहीं कि खाने के बाद हेडेक हो रहा है, उसका ये मतलब था कि खाने से हेडेक कम हो रहा है। और आजकल यहाँ पर जितने बैठे दिन में एक बार हेडेक होता ही होता है, इट इज बिकॉज ऑफ एंडलेस रीजंस, यानी बच्चे हो हस्बैंड हो, हमारे लिए तो जूम क्लासेस है पर सबके लिए होता है कुछ ना कुछ रीजन सबको है हेडेक के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा रीजन बनता है कि आपको नोनी जी एक कप रोज डेली क्यों लेना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम इसके थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जितना मैंने थोड़ा सा बताया कि आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही है बॉडी में, तो अगर उस चीज से हमको बाहर निकलना है, वी वॉन्ट टू, हम अगर प्रॉब्लम्स के बारे में क्रिप करते बैठे तो हमारा सोल्यूशन सामने
नहीं आता है, हमको सोल्यूशन को देखना है, खुद पे अप्लाई करना और आगे स्टेप बढ़ाना है। सो दिस इज वन रीजन जहां पर हम इसको होप इन अ बॉटल के नाम से जानते हैं। यस, नाउ व्हाई यू शुड टेक मोर एसिटोकोलीन। अब ये लंबी बॉटल तो आई है सबने देखी है, जो छोटी बॉटल है आप इसका कलर देख सकते हैं। तो दिस इज द कलर ऑफ द जूस और इसके अंदर रोजेल मिक्सड है। रोजेल के ऊपर एक दूसरा प्रेजेंटेशन होगा तो आप रोजेल के बेनिफिट्स भी जान पाएंगे। दूसरा, ये बहुत इजी टू कंज्यूम है, आपको फ्रूट नहीं तोड़ना है, आपको फ्रूट की स्मेल नहीं लेनी है। अगर यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं जिन्होंने नोनी जी ट्राई किया होगा तो इट्स क्वाइट एडिबल। आपके जो कोकम के शरबत जैसा होता है उसी तरह का टेस्ट है। तो इट्स नॉट कि कुछ बहुत कड़वा आपको करेले जैसा कोई चीज खाना है। तो इट्स इजी इन टेस्ट, इजी कंजम्पशन। सिर्फ आपको ओपन करना है, एक कप में 30 ml डालना है। इसका छोटा ढक्कन भी आप डाल सकते हैं, बड़ी बॉटल का छोटा ढक्कन भी आप डाल सकते हैं, 30 ml के आसपास। उसके अंदर आप पानी मिक्स करिए, हॉट वाटर की जगह नॉर्मल वाटर प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इसको आपको लेना। ज्यादातर नोनी जी को एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए बिकॉज इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, आधे से ज्यादा तो पानी से बनी है, उसके बाद जो है वो हमारे बॉडी में खून है और उसके बाद आते हैं एंजाइम्स यानी जूसेस जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स को जूसेस ये जो जाते हैं और ये बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारी लेडीज को थायराइड का इश्यू होगा। थायराइड इज वन हार्मोन जो बहुत सारी लेडीज को इफेक्ट करता है और उसको ठीक करने के लिए आपको हमेशा एक गोली खानी पड़ती है थायरोनाम करके। उससे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट बढ़ता है, चिड़चिड़ाहट होती है, देन यू हैव पैल्पिटेशंस ऑल द टाइम, बहुत सारे अन्य रीजंस। तो अगर हम वो निकालते बैठे उससे अच्छा हमारे पास एक एंजाइम बूस्टर पावर विच इज योर नोनी जी। अगेन इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बॉडी के थायराइड को, आपकी बॉडी को हील करेंगे, बॉडी जाके वो थायराइड को हील करेंगे। वी वोंट, हम कभी नहीं कहेंगे कि यू नो दीज फ्रूट्स विल एक्चुअली क्योर योर डिजीज, आपकी डिजीज निकालेंगे, नहीं। ये आपकी जो ब्यूटीफुल सी फैक्ट्री है इसको स्ट्रांग करेंगे और उसके बाद वो बॉडी खुद इतनी केपेबल है कि वो आपकी डिजीज को आपकी बॉडी से बाहर करे और आपको। नेक्स्ट, आप इसको पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं, आप इसको बाकी फ्रूट जूसेस, एप्पल की स्मूदी बना रहे हैं, एप्पल का जूस बना रहे हैं, आप अगर कोई ऑरेंज का जूस बना रहे हैं उसमें एक छोटा सा चम्मच डाल। बहुत सारे लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ चटनी भी यूज करते हैं, तो दिस इज वन न्यू वे जहां पर आप इसको यूज करें। जो सांबर होता है ज्यादातर इसको हीट ना करें, बट अगर आप चटनी बना रहे हो उसके बाद भी आप उसमें ये एक टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड न्यू वेज जहां पर आप इस जूस को अपने लाइफ में कहां कैसे यूज करना है, बिकॉज योर फीमेल्स बहुत कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अभी देखा जाए तो प्रमोशन ऑफ डिजीजेस करने से अच्छा हमारे पास एक तरीका होता है कि हम डिजीज की तरफ प्रिवेंशन लेके आए, यानी डिजीज को प्रिवेंट करने के तरीके ढूंढे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आज भी हमारा पूरा एक साल निकल गया बट अभी भी वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं आई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज को हमारे से कौसो दूर रखें, यानी कि उससे बेहतर होगा कि हम उसको दूर रखें और वही हमारे लिए बेटर होगा ताकि हम आगे जाके इस चीजों को प्रिवेंट कर सके। आज ये है कल दूसरी कोई आ सकती है, तो वो ना हो, वो आपके साथ ना हो, आपकी फैमिली के साथ ना हो, इसीलिए आपको आपके घर में ऐसे सोल्जर्स रखने। तो हमारा जो गैनोडर्मा है, हमारा जो स्पिरुलिना है, हमारा जो नोनीजी है, वो हमारे टेबल पे ही रखा जाता है ताकि वो हमारे घर में ये सारी जो वायरसेस है, बैक्टीरिया, पता नहीं कितनी सारी चीजें, उनको अंदर आने से भी प्रिवेंट करें। बट सिर्फ आपको टेबल पे नहीं रखना है, आपको बॉटल खोल के उसको कंज्यूम भी करना है। जनरल व्यू एक इस तरह देखेंगे, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होगा इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मुझे, तो ये बाकी सारे फूड सप्लीमेंट के साथ एक सिनर्जेटिकली काम करता है। उसका मतलब है कि अगर आप स्पिरुलिना लेंगे, अगर आप गैनोडर्मा आरजीजी लेंगे, तो उसके साथ जब आप नोनीजी कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में सिनर्जेटिकली उस चीजों को एब्जॉर्ब करने, उस चीजों को आपके सेल्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। डॉक्टर आसमा मुनीर जो दुबई से ही है, एग्जैक्टली, वो बहुत प्यार से इस चीज को एक्सप्लेन करती है दैट ये दोनों साथ में जाते हैं और इनको कनेक्ट करके ब्रिज की तरह लेके जाने वाला है आपका मोरिंडा सिट्रोफोलिया होता है, यानी आपका डीएक्सएल मोनीजी। जब क्वेश्चन आता है साइड इफेक्ट्स का, तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल माय डियर लेडीज, ऑल माय डियर सिस्टर्स, मदर्स, फ्रेंड्स, आंटीज, कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाती है ना, तो उसके पीछे आपका मस्त लेबल होता है जो हम नहीं केयर करते, सिर्फ उसके नीचे का देखते हैं, हाँ वॉलेट को अफोर्डेबल है ले लो, नहीं है रख दो। बट यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप मोनीजी का ये टर्न करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा दैट इसके अंदर है मोरिंडा सिट्रोफोलिया जूस, रोजेल जूस और शुगर जो कि एक चम्मच से भी
कम है। मैं अभी भी वही डिस्कस कर रहे थे कि इसमें एक चम्मच से भी कम शुगर है। तो जो लोग ये टेंशन में होते कि नहीं शुगर है, बॉडी में शुगर नहीं जाना चाहिए, शुगर इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिज्म। शुगर क्या होता है? ग्लूकोज। चक्कर आते तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोन डी बना के पीते हैं। वो भी एक बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है। इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन दिस। हम अचार बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं ना, ताकि वो ज्यादा देर तक रहे। उसी तरह इसी को भी सेफ रखने के लिए, इसको भी इन विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, जो केमिकल फॉर्म में होते हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पर एक चम्मच केन शुगर डाला गया है, जो आपके स्नोनी को प्रोटेक्ट करता है फॉर अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ताकि काफी टाइम तक अच्छा रहे। दूसरी बात आप एक नोटिस करेंगी, साधारण प्लास्टिक बॉटल में नहीं आता, ये साधारण टेट्रा पैक में नहीं आता है, ये ग्लास बॉटल में आता है। ये बहुत छोटी सी बात है देखने के लिए कि अच्छा ठीक है ग्लास बॉटल का जूस, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लास वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपको इसको अगर ओपन करने के बाद आपको इसको हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। जब भी पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते थे ये बात पहले बताई जाती है, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। ओके, इट्स अ कमोडिटी, हमारे लिए सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, जिनके लिए है तो उनको ये बात बताना बहुत जरूरी है, एक बार ओपन किया तो इसको पहले आप रेफ्रिजरेट करें। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया इसमें कोई भी और एडिटिव नहीं है। आप कोई और जूस उठा के देखिए मार्केट में, वहां पर आगे लिखा होता है E471, E741, कभी भी कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो इमल्सिफायर्स होते हैं, यानी वो अंदर के जो अगर गट्टे गट्टे बन रहे हैं उस चीज को निकालने के लिए होते हैं। यहाँ पर ये जूस में वैसी कोई चीज नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। आप आराम से आपके बच्चे को 15 ml दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है उससे ज्यादा भी दे सकते हैं अगर सर्टन कंडीशन है, और आप खुद 30-50 ml डेली ले सकते हैं। नेक्स्ट, पेन किलर। जैसे मैंने बताया पेन किलर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बचपन से जब भी सर दर्द हुआ ना, क्रोसी नहीं खाया, एक ग्लास एक बॉटल खोल के एक ग्लास नोलिजी जूस पिया। आप कभी ट्राई करिए। ज्यादातर सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, हमारी बॉडी में पानी नहीं होता, जो हम बहुत सारे लोग नहीं पीते, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो उसी के हिसाब से जब भी आपको सर दर्द हो, एक छोटा एक्सपेरिमेंट अपने आप पे ट्राई करिए। छोटा सा अपनी बॉटल खोलिए नोलिजी की और एक ग्लास वो बना के पीजिए। विदिन 15-20 मिनट्स आपको दिखेगा कि आपका हेडेक स्लोली स्लोली कम हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड पेन किलर। नेक्स्ट, अगर आप लेडीज हैं और आपको इश्यूज होते हैं जहां पर आपकी मॉर्निंग में उठने के बाद रीना डक जाती है, बैंगल नहीं निकलती, या ऐसी कोई प्रॉब्लम, या पैर में सूजन होती है, या कोई भी इश्यूज, तो वहां पर हमारा नोनीजी एक्ट्स एज अ वेरी वेरी फैबुलस पेन किलर एंड एन एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी सूजन को कम करने में हेल्प करता है। जो सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस रहता है वहां पर जाके ये एक्टिवली काम करता है और आपकी बॉडी से वो सूजन या एक्स्ट्रा जो भी टॉक्सिन्स है उस चीज को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर दो एंजाइम्स है जो थोड़ा सा मेडिकल फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन ये एंजाइम्स दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ज़ेरोनिन करके एक एल्कलॉइड होता है, यानी एक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरत में चाहिए होता है। इस अर्थ पे ऐसा कोई दूसरा फ्रूट नहीं है एक्सेप्ट पाइनएप्पल, जिसमें बहुत ज्यादा ज़ेरोनिन है, एक्सेप्ट आवर मोरिंडा सिट्रस। इसके बारे में अभी भी रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड है जिसको हमें अभी तक टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं पढ़ाया गया है, बट वो जरूरी है, उसके बारे में एक्टिव रिसर्च हो रहा है, यानी वो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, बट जितनी हो रही है उससे पता चल रहा है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और अगर ज़ेरोनिन किसी में सबसे ज्यादा है तो वो है मोरिंडा सिट्रोफोलिन, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके लिवर जो हमारे एक ब्यूटिफुल सी फैक्ट्री है, लिवर एक हमारी बॉडी को एक्चुअली गॉड्स गिफ्ट है, लिवर जैसा कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में, ये भी बोल सकते, तो वो हमारी बॉडी के दूसरे टच पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। और लिवर को एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़ेरोनिन चाहिए, और प्रो ज़ेरोनिन जो इसका फॉर्म होता है, जो प्लांट से आपको बॉडी में आपको डालना पड़ता है, वो आपको मोरिंडा सिट्रोफोलिया में ही मिलता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज टेक 1 glass ऑफ नोनीजी। वैल्यूज इसकी बहुत सारी है, आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी आपकी सूजन जो बॉडी में है वो कम करने में मदद करेगा। अगर बॉडी आपकी कोई ऑटो इम्यून या स्किन डिसऑर्डर्स फेस कर रही है तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा, नॉर्मल फ्रेशनेस लाने के लिए मदद कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं जो मेंशन करना चाहूंगी, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, वो है PCOD, वो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स। जो लेडीज को हर महीने पीरियड्स आते हैं, जो गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, वो अभी बिकॉज ऑफ सो मच स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सो मच एक्टिविटी, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाने का तरीका, हमारा इतना स्क्रीन टाइम, वो हमेशा आगे पीछे
हो जाता है, वहां पर आपका नोनीजी एक्चुअली एक्टिवली काम करता है। ये हमारे 2-3 ट्राइड टेस्टिमोनियल्स है, अभी वो यहाँ वहां है, मैं वीडियोस भी नहीं कलेक्ट कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्ले दोज वीडियोस जहां पर वो लोग बात करेंगे कि कैसे नोनीजी हैज हेल्प कि उनके जो पीरियड्स हैं उनको नॉर्मल करे, उनके जो पीरियड्स जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है वो टाइम पे हम क्या करते हैं मोस्टली लेडीज एक कैप्सूल पॉप करते हैं, तभी के लिए वो पेन कम हो जाता है, बट आगे जाके वो आपके कैप्सूल कहीं ना कहीं आपकी किडनीज को साइड इफेक्ट्स देता है, तो वो आपको नहीं करना है, वो एक नेचुरल पेन है, अगर आप उसको नहीं सह पाए सो वी हैव अ सोल्यूशन ओवर हियर। तो आप अगर किसी फ्रेंड को जानते हो जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी को होती है, सो इट्स वेरी इजी, तो आप उनको डेफिनेटली इस चीज से हेल्प कर सकते हो और उस चीज से उनको बाहर लेके आ सकते। यस, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड, आप सबको पता होगा फेसबुक पे मेरा हर दिन का पहला ही चीज रहता है आई वांट टू सी हिज वीडियोस। ही हैज मेड अ रिकॉर्ड कि उन्होंने 1000 से अभी उनका 1093 डेज हो गया, ये साइड पुरानी है 10 दिन हो गया बना, 1093 कल उन्होंने पिया एक और बॉटल। तो ये मिस्टर लास्को कास्को है, इज फ्रॉम हंगरी, ही इज अ क्राउन एम्बेसडर एंड इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, मतलब आप उनके वीडियोज देखोगे इतने खुशी से वो एक बॉटल खोलते हैं और उसको पी जाते हैं। किसी ने आपको पूछा इस चीज से साइड इफेक्ट होगा क्या, प्लीज ओपन योर फेसबुक एंड शो हिज वीडियोस। दिन कौन सा है 1093 या 1074 और फेस पे उनके चमक देखे, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, देयर इज एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स। इसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं, इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए, इतने सारे जो लिस्ट ऑफ रीजंस है वो यही है, तो ये उम्मीद है सबके लिए ये आपकी बॉडी के लिए बेस्ट नेचुरल पेन किलर है, ऐसा पेन किलर आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्रोसिन से मार्केट, क्रोसिन को मार्केट से निकालना है और हमारे नोनीजी को वहां पर लाना है। तो ये खूबसूरत थोड़े पिक्चर्स है, अगर आपको चाहिए तो आप ये पूछ सकते हो, इसको आप अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करिए। हमारे नोनीजी के ऊपर हम बहुत सारा लंबा से लंबा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हर एक डिजीज को लेके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, सिंपल जैसे साइनस का लोगों को इश्यू होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपका नोज में थोड़ा सा यू नो म्यूकस लाइनिंग खराब हो जाता है, वहां पर भी नोनीजी काम करेगा। स्किन इश्यूज में, थायराइड में, बहुत सारे केसेस में, कैंसर जैसे बीमारियों में भी यहाँ पर वो हेल्प करता है, बॉडी को उम्मीद देने के लिए हेल्प करता है, बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए हेल्प करता है, उसके आगे फायदे बहुत ज्यादा। सो यस, इट विल बूस्ट योर सेल हेल्थ, आपकी जो सेल है उसको हेल्प करेगा, आपके बॉडी का बेस्ट फ्रेंड बनेगा, हमारे डीएक्सएल का मेन पिलर है नोनीजी, एंड उसके साथ दिस विल नरिश योर बॉडी, टू गिव योर बॉडी ऑल दैट इट नीड्स, जो जो जरूरत है जो हमको पता नहीं है, जो टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं लिखे, जो आपको डायटिशियन भी नहीं बता पाई, पर आपकी बॉडी को उस चीज की जरूरत है, वो आपकी बॉडी को देने में हेल्प करेगा एंड आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है, प्लीज एक ग्लास नोनीजी सुबह में पीजिए और फिर यहाँ पर हमने भी आज पी, ठीक है। सो थैंक यू नोनीजी फॉर अ बेटर टूडे टुमारो एंड इट इज आवर होप विद द बॉडीज। Yes, of course, DX and Nonizi. These are the two bottles. और एक छोटा सा आइडिया आई वुड लाइक टू शेयर, हमने ये घर में किया है एक छोटी सी बात है यहाँ पर, ये जो हमारी बॉटल है कांच की, जब आपका नोनीजी खत्म हो जाता है तो प्लास्टिक घर में ना यूज करके आप ये जो ग्लास बॉटल्स है इसमें आपका पानी स्टोर, उसको अच्छे से वॉश करिए, ड्राई कीजिए और वो बॉटल्स में आप पानी स्टोर करके यूज कर सकते, अगर नहीं तो आप उसको रिसाइकल करने के लिए दे सकते हैं, ताकि जो पॉल्यूशन है, जो हमारी अर्थ, हमारे दो घर है, हमारी बॉडी और हमारा अर्थ, हमको दोनों का टेक केयर करना है। एंड जो नेक्स्ट